पवन के सामने बा कौन? अरे बाप रे बाप, पवन के बा कौन? आ एगो भाई लिखले रख, जब सुनिए भाई कहले हाँ कि रोज नया लकीर लिखते खड़ा करते हैं, तो हम भविष्यवक्ता तो ना ही लेकिन बोला तो नहीं, वर्तमान परिवेश में पवन सिंह जो लकीर खींच देंगे उसके आगे लकीर पड़ने वाला किसी का कोई पैदा नहीं लिया अभी आज के परिवेश में, तो जो लकीर पवन सिंह खींच देंगे उसके आगे लकीर खींचने वाला कोई आज के परिवेश में आज की डेट में नहीं है। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए और भाई का जितना गाना है उसका आशीर्वाद देते रहिए। अरे हमारे परिवार के खाली आशीर्वाद बोलन रहे के चाहिए। कहो बिल्कुल बहुत ही अच्छा, मतलब प्रमुख जी प्रमुख जी एक अलग टाइप का गाना है और मुझे लगता है कि इतना आप सुबह से मेरे पास फोन आ रहा है तो आप लोग के लिए खुशी के लिए ये पवन सिंह का जिंदगी है और आपकी खुशी के लिए दिन रात सोचते हैं और एक अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे गाने आने वाले हैं जो कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत सारा एंजॉय करेंगे आप लोग। कल के बाद इनका फिल्म का सेट सुन बड़ भाई हमें सुमन भैया तनी कहने का है, ए मर्द का है एग्रेसिव हो गया है यार नहीं नहीं बस हमारे समाज का आशीर्वाद रहना चाहिए और क्या चाहिए, बाकी क्या है क्या नहीं वो बोलना नहीं चाहिए। तुम जो गाना गए थे सुमन भैया के लिए तो हमारे देखा, हम तो हार देखे जी जाए ना, तो ये गाना सुन के मन पवित्र और शुद्ध हो जा रहा है, इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग जितनी बार सुन रहे हैं उतना बार मन कर रहा है और सुने ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद आप लोग गाना पर बने रह जा। और बॉस तो बॉस है, बॉस सरस्वती पुत्र बॉस नहीं, हम बस भाई है, बेटा है, मित्र है।